आज पूरे देश में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं औरैया में भी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं के आह्वान पर मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। शहर की मस्जिदों में ये मौलवी समेत 5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ के साथ कोरोना महामारी के अंत की दुआ की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रशासन के आदेश को सर्वोपरि मानने को लोगों से नसीहत की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने बताया कि प्रशासन की बताए हुए नियमों का पूरी तरीके से पालन किया। वहीं मोहम्मद इरशाद द्वारा लोगों से अपील की प्रशासन के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करें। वहीं ईदगाह पहुंचे एएनबी के रिपोर्टर से खास बातचीत करते हुए मुस्लिम संविदा के नफीस ने बयां किया अपना दर्द। उन्होंने बताया कि बचपन से ईदगाह पर नमाज अदा करते चले आए, पर इस वर्ष कोरोना बीमारी के चलते घर पर ही रहकर नमाज अदा करेंगे। वहीं जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुनीति ने पूरे जनपद में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया, तो लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील के साथ ही शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप कुर्बानी और नमाज अदा करने की नसीहत दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया है। आज बकरीद का त्यौहार है, किस तरीके से है, मतलब जो है गाइडलाइंस दी गई थी और उस पर कितना पालन हो रहा है? देखिए ऐसा है, जनपद औरैया में सभी नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए ही उसको संपन्न कराया गया है। हमने करीब 300 एक्स्ट्रा पुलिसकर्मी, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ होमगार्ड्स और PAC का फोर्स डिप्लॉय किया गया था। इसी क्रम में मैं बता दूं, कुछ और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से काम किया था या होमवर्क किया था, उसमें करीब 70 ऐसे अकाउंट्स हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आइडेंटिफाई किए थे जो कोई ना कोई सांप्रदायिक कमेंट या टिप्पणियाँ करते रहते हैं। कुछ डिलीट किए गए थे, कुछ को हम ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ ऐसे ही चिन्हित पुराने अपराधी या पुराने ऐसे गुंडा तत्व जो सांप्रदायिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं, उनके खिलाफ 107-16 या गुंडा या गैंगस्टर की कार्रवाई कराई गई। नमाज सकुशल संपन्न हो गई है, पर अभी भी हमारी सारी ड्यूटियां खड़ी हैं। शाम तक यही अलर्ट रहेगा, आगामी 5-6 दिन भी यही अलर्ट हम लोगों ने पूरे जनपद में रखा है। और हमें उम्मीद है कि जनपद वासियों के सहयोग से हम ये समय बहुत ही सकुशल शांतिपूर्वक निभा पाएंगे। मस्जिद में कितने लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई? देखिए जो लॉकडाउन के नियम है उसी के तहत सारी कार्रवाई की गई है कि एक समय पर 5 से ज्यादा लोग ना इकट्ठे हों कहीं पर। अध्यक्ष, आज बकरीद का त्यौहार है, आज त्यौहार आप लोगों ने किस तरीके से मनाया? इस बार त्यौहार जो हमने पार साल जो अगली साल जो मैंने मनाया था तो ईदगाह में त्यौहार मनाया गया था, सभी लोग खुशी खुशी त्यौहार मनाया गया था। लेकिन लॉकडाउन के कारण जो भी सरकार का निर्देश था उस तरीके से त्यौहार मनाया गया, नमाज पढ़ी गई। और जब तक लॉकडाउन रहेगा और जो सरकार का आदेश रहेगा उसका मुसलमान भाई पालन करेंगे। और मुसलमान भाइयों से भी अपील है कि कोई भी ऐसा चांस न दे कि सामने सरकार को कोई भी हमारी कमजोरी दिखाई दे, और मुस्लिम का फिर मुस्लिम के नाम पर या जमात के नाम पर फिर एक मैसेज चला जाए। तो मैं अपील करता हूं कि मुस्लिम भाइयों को अच्छी से अच्छी त्यौहार मनाएं और उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सभी को, हिंदू व मुस्लिम भाइयों सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं।